नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रेल यार्ड पे हूँ और आप लोगों के एलएचबी के बारे में, फीवा एक्टिव होते हैं कब और किस तरह से, आप रनिंग ट्रेन में जब ट्रेन लेकर जाते हैं और सडनली आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, खाली बीपी प्रेशर ड्रॉप होने से चेन पुल होता है, उसके वीडियो मैंने अलग से डाल दिया है। और अगर एपी प्रेशर और बीपी प्रेशर दोनों ड्रॉप होते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें जो फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन लगते हैं उस दौरान प्रेशर 1 किलो से 1.5 किलो तक डिफरेंस में आएंगे और आपको सोचना है कि फीवा एक्टिव। आप रनिंग स्टाफ है, आप एलपी गार्ड के लिए और मेरा जो आदर जितना भी स्टाफ है उन लोग के लिए, सब के लिए वीडियो बन रहा है कि आप लोग काम कर सकते हैं, पूरा वीडियो दिखाएंगे। मैं बीके दत्ता, मेरा रेलवे मैकेनिकल इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि फीवा एक्टिव होने से आप लोग क्या करेंगे। आपका ट्रेन आप स्टार्ट किया है कोई भी स्टेशन से और आपका गाड़ी चल रहा था बहुत आराम से और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सडन आप देखा है कि आपका एपी प्रेशर भी ड्रॉपिंग हुआ और बीपी प्रेशर भी ड्रॉपिंग हुआ, तो मतलब इस केस में आपको समझने पड़ेंगे कि इस गाड़ी में जो फेल्योर इंडिकेशन काम ब्रेक एप्लीकेशन का जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपका एक्टिव हो गया है और ये बेलो साइड जो है, एयर बेलो साइड में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो आपका बीपी प्रेशर एपी प्रेशर लोकोमोटिव में दोनों ड्रॉप मिला है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फीवा एक्टिव हुआ है कहीं। लोकोमोटिव उस तरफ से आपका गाड़ी खड़ा हो गया, उस दौरान आप आके देख रहे हैं कि हर कोच में बीपी जितना भी आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ और बीपी प्रेशर ड्रॉप होने से हर कोच में ब्रेक इंडिकेटर रेड हो गया है। आप देखते देखते चेकिंग करते करते आ रहे हैं, आप अभी गाड़ी चेक करते करते आ रहे हैं और आप उस तरह कान खड़ा करके सुनिए कि कहीं से प्रेशर लीक हो रहा है, और हर कोच को आप देखते देखते जाइए तो सडनली आपको दिख रहा है कि ये जो आपका फीवा का जो इंडिकेटर है इस कोच में, आपका बहुत सारा गाड़ी रह सकता है कोच, तो एक कोच में एक्टिव कोच में आपका फीवा इंडिकेटर रेड हो गया है और इस पॉइंट से आपका हवा निकल रहा है। तो पहला काम जो है आपका, वो आपको देखना होगा कि ये हवा जो निकल रहा है, बीपी प्रेशर फेंक दिया उसी लिए आपका गाड़ी में आपका ब्रेक लग गया था। फीवा बोर्ड के पीछे में ठीक आइए, देखिए ये जो पाइप आपका आ रहा है फीवा बोर्ड में, और ये जगह में आपका एक आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, ये आइसोलेटिंग कॉक आपका उस दौरान इस तरीके के ऑन में था और इधर से आपका बीपी प्रेशर को, इसी पोर्ट है, इसी पोर्ट से आपका बीपी प्रेशर निकल रहा था, पूरा टोटल गाड़ी में ब्रेक लग गया था। आप आके इस तरफ से इसको आइसोलेट कर दीजिए और इधर प्रेशर गिरना बंद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं, इसके बाद में आपको इस इफेक्टिव कोच में ये बोगी, आपको वो बोगी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस बोगी में, इस कोच के उस बोगी में कुछ फॉल्ट नहीं मिला, उनके जो फीवा डिवाइस था वो ओके है, आपको उधर इंडिकेशन ग्रीन था लेकिन ये इंडिकेटर आपको रेड मिला और इधर से हवा निकला, मतलब इस कोच के जो बॉगी है, इस ट्रॉली है, इसमें कुछ इफेक्ट हुआ है, इसी चलते आपका बीपी प्रेशर इधर से ड्रॉप हुआ और टोटल गाड़ी में ब्रेक लग गया था। अब इसके बाद में आपका पहला काम जो है, एयर बेलो जो दिख रहा है, इस एयर बेलो में हवा है या नहीं है, इसको देखने का एक ही तरीका के है कि ये देख रहे हैं जो ये जो हॉरिजॉन्टल लीवर है, देखिए ये इंस्टॉलेशन लीवर जहाँ है, ये इंस्टॉलेशन लीवर और हॉरिजॉन्टल लीवर देखिए डाउन पोर्शन में है, ये हॉरिजॉन्टली आपको इस तरीके का होने से इस एयर बेलो में हवा रहेंगे, मतलब ये अभी डिफ्लेटेड कंडीशन में होंगे अगर इस तरीके के आपका हॉरिजॉन्टल लीवर का कंडीशन हो। मतलब आपका फीवा एक्टिव हुआ था और आप आके देखा, इधर से हिसिंग साउंड आपको मिला और आइसोलेटिंग कॉक को आप बंद किया है, इधर से बीपी प्रेशर जो इधर से ड्रॉप हो रहा था वो बंद हो गया, इसके बाद में आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको आगे चलकर देखना होगा। नंबर 1 पॉइंट, इंडिकेटर रेड है, ये फीवा डिवाइस है और
आपका बीपी प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया, आपका गाड़ी में बीपी प्रेशर रेडी हो रहा है और आपको पहला आके देखना है कि एयर बेलो में हवा है या नहीं है। उसी दौरान आपको कान से सुनना होगा कि कोई जगह में आपका इस तरह का कि कोई हिसिंग साउंड आपको गाड़ी के अंदर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उसी का साथ में इंस्टॉलेशन लीवर और ये जो हॉरिजेंटल लीवर दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल लीवर आपको ठीक ठाक लगा है कि नहीं। क्वेश्चन में इस तरफ और ऑपोजिट साइड जो है उस तरफ में जो इंस्टॉलेशन लीवर उसको भी देखना है सही से लगा है या नहीं है। अगर लगा है तो सब कुछ ठीक है, आपको हिसिंग साउंड भी नहीं मिला, पाइपलाइन कनेक्शन जो है अंदर में उसमें से भी कुछ खुला नहीं था आप देखे हैं, तो आपका उस दौरान ये फीवा आइसोलेट कंडीशन जबकि एसी टाइप का है देख रहे हैं वर्टिकली इस तरह की कंडीशन में रहेंगे, आप गाड़ी को नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक ला सकते हैं। नंबर वन पॉइंट, नंबर पॉइंट में बोला गया कि आपका फीवा एक्टिव हुआ था, आपको कुछ भी कहीं लीक साउंड नहीं मिला और आपका गाड़ी में जिस तरह के कनेक्शन है सभी ओके है, लेकिन इधर से हवा निकल गया था। तो आप लोगों का जो एक धारणा है कि फीवा एक्टिव होने से गाड़ी में सिस्टी कैम्पेज हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको फॉल्ट डिटेक्शन अगर मिलेंगे तभी जाके आप सिस्टी कैम्पेज करेंगे। तो जिस पॉइंट नंबर वन में लेकिन कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला, इसलिए कि आप भी कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन मत दीजिए और गाड़ी को आप परमिशन स्पीड में लेके जाइएगा, क्योंकि आप आके देखा है कि ये इंस्टॉलेशन लीवर आपका सही लगा हुआ है, हॉरिजेंटल लीवर भी आपका ये डिफ्लेटेड कंडीशन में है, मेरा बेलो में हवा है समझ गया, डिफ्लेटेड कंडीशन नहीं है। तो आप उस तरह भी चेक किया है, कोई लूक्स नहीं है अंदर में, कुछ प्रेशर निकलने का हवा भी नहीं आपको, कोई पाइप अनकपल होने का भी आपको कोई नुक्स नहीं मिला। तो गाड़ी को आप फीवा जो है उसको आइसोलेट करते हुए विदाउट कैम्पेज में गाड़ी लेके चलेंगे नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक। ओके, अभी नंबर टू पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करेंगे कि फीवा एक्टिव हुआ, आपका इधर से प्रेशर निकलना शुरू हुआ था, अब आके इसको आइसोलेटिंग कोक को बंद किया, आपका बीपी प्रेशर जो इधर से फॉल्ट हो रहा था तो वो आपका रजिस्ट्रेशन में आ गया, मतलब आपका बीपी प्रेशर चार्जिंग शुरू हो गया, लेकिन एपी प्रेशर फिर भी चार्जिंग नहीं है, तो समझ जाएंगे कि ज़रूर अंदर में कहीं आपका पाइप अनकपल है। तो उस दौरान आपको चल के देखना होगा, एक नंबर को देखने के बाद में आप आके देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन लीवर ठीक है, अंदर में हिसिंग साउंड मिल रहा है, और ये देखिए दो फ्लेक्सिबल पाइप आपका देखिए ऊपर में लगा हुआ है, ये फीवा बोर्ड में जा रहा है और ये पाइप आपका अनकपल हो गया, इधर से हिसिंग साउंड मिल रहा। तो आप तभी क्या करेंगे, गाड़ी कितना कैम्पेज में जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, रनिंग स्टाफ होकर मैकेनिकल स्टाफ के लिए इसको रेडी करना जरूरी है और उसके बाद में सर्टिफाई करना भी आपका। इधर से हिसिंग साउंड मिल रहा, पाइप अनकपल हो गया, आप इसको मार्क करते हुए आप आ जाइए ठीक फीवा बोर्ड के पीछे में, जहां एयर बेलो सप्लाई लाइन मिलेगा हर बोगी का आगे में ठीक इस तरीका के मिलेंगे जैसे कि देख रहे हैं। इसको आइसोलेट कीजिए, ये एयर बेलो में आपका ये 150 लीटर से सप्लाई आपका जा रहा है उस बोगी में, अब उस बोगी का आपको वो आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दीजिए, उधर सप्लाई बंद हो जाएगा और इधर जो आपका पाइप अनकपल हुआ था इधर से जो लीकेज साउंड मिल रहा था ये भी बंद हो जाएगा। अभी आप गाड़ी को 60 kmph में आप रन करेंगे, तो 60 kmph तभी रन होगा जबकि आपका एयर बेलो में हवा नहीं आ रहा था। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एयर बेलो में जो सप्लाई लाइन है वो सप्लाई लाइन उधर से आपका पाइप अनकपल हो गया था और एयर बेलो में हवा नहीं पहुंच रहा था। मैंने फीवा को आगे काम शुरू करने का आगे आपको आइसोलेट किया था और मैं 150 लीटर से जो एयर बेलो का सप्लाई बोगी सप्लाई जो है उसका जो आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है वो आइसोलेटिंग कॉक को भी मैं ऑफ किया हूँ और इसीलिए मैं गाड़ी को 60 kmph अंडर में भेज रहा हूँ।
भी कारण से आप ये जो एयर बेलो का जो आपका फीवा बोर्ड में आ रहा है या आइसोलेटिंग कॉक जो है, ये फीवा टेस्टिंग पॉइंट है विद वेंट, इसको ऑफ ना कीजिए। इसको अगर ऑफ करेंगे तो एयर बेलो में अगर कुछ बचा कुचा हवा रहेगा तो वो क्या होगा, इसका वेंट से आपको निकलते रहेंगे। मैकेनिकल भाई लोगों के लिए मैं एक सूचना देंगे कि आपका फीवा लाइन में जाने वाला जो पाइप है फीवा बोर्ड में, वो पाइप आपका अनकपल हो गया, आपका पास डैमी कैप है और डैमी प्लग है, आप अगर लगा सकते हैं उनमें तो उस दौरान आपका गाड़ी में कोई कैंपेज नहीं होगा, क्योंकि आप जब इधर डैमी प्लग लगा दे रहे हैं तो इनके जो है एयर बेलो में हवा इंटेक हो जाएंगे और उस दौरान आपका इंस्टॉलेशन लीवर और हॉरिजेंटल लीवर आपको पोजीशन में रहेंगे, हॉरिजेंटल पोजीशन में ही रहेंगे, मतलब एयर बेलो में हवा है और आप गाड़ी को जब काम करने जाएंगे तो वो आपका सप्लाई जो आपका लाइन है उसको बंद करके जाएंगे, काम होने का बाद में इसको खोल दीजिएगा और आप आके सभी का लिए मैं सूचना दे रहे हैं कि ये नॉर के है, इसको रिसेट करने से ये रेड से ग्रीन होगा। दूसरा वाला जो सिस्टम है पुश बटन है और एक लैस सिस्टम वाला है, ये तीनों कंपनी का जो होता है, आप इसको पुश बटन से पुश करने के बाद में 3 से 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद में वो क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद में गाड़ी को आप अगर मैकेनिकल स्टाफ है उसको अगर खोल देता है तो 60 kmph में नहीं आए, 60 kmph अंडर नहीं आएंगे परमिशन स्वीट, और गार्ड ड्राइवर रनिंग स्टाफ के लिए उसको बंद करने से आप उसको तो आप सेट नहीं कर पाए, आप सेक्शन में नेक्स्ट एक्सर पॉइंट तक आप 60 kmph में लेके आएंगे गार्ड एंड ड्राइवर रनिंग स्टाफ मैकेनिकल स्टाफ नॉट। नंबर पॉइंट में देखिए, ये मेरा जो ये जो लाइन आ रहा है, ये जो 150 लीटर में लाइन आ रहा है, इस लाइन में कुछ फॉल्ट हुआ, लीक हुआ, उसके कारण से फीवा एक्टिव हुआ और उसके चलते आप पहले ही आपको ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद किया, इधर से हिसिंग साउंड बंद हो गया। इसके बाद में पकड़ लीजिए डाट कलेक्टर, एक बार हुआ था डाट कलेक्टर से बहुत बड़ा लीक हो गया था, तो उसको चेंज करिए। करने का बाद में तो चेंज करने का टाइम में आपको बंद करना पड़ेगा उधर का एपी लाइन, सप्लाई लाइन जहाँ से आ रहा है उसको सप्लाई लाइन को बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के बाद में ये आप चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद में आप इसको कोई कैंपेज नहीं देंगे परमिशन स्पीड में। मैकेनिकल स्टाफ एक काम करो, ये चीज़ मिला है कि ये पाइप आपका खुल गया है, ये जो देख रहे हैं ये मेन पाइप खुल गया है और गार्ड का पास एपी प्रेशर 0 हो गया और ड्राइवर का पास एपी प्रेशर 3 किलो करीब आ गया और उनको पता नहीं है, तो वो एक काम कर सकता है, सामने अगर टेक्सचर पॉइंट है तो इस केस को देखते हुए अगर कुछ नहीं कर पाता है, CNW स्टाफ नहीं आता है, तो आप 60 kmph गाड़ी को नेक्स्ट टेक्सचर पॉइंट तक आप लेके आ सकते हैं 60 kmph। 4 नंबर पॉइंट, एयर बेलो पंक्चर हो गया तो क्या करेंगे, आप तो रनिंग स्टाफ है आपसे तो होगा नहीं, लेकिन हाँ मैकेनिकल स्टाफ के लिए भी कुछ काम करना नहीं है, लेकिन वो आप जो करेंगे वो भी वो सेम करेंगे, तो आपका काम के ऊपर में मैकेनिकल स्टाफ आपका सर्टिफाई करेंगे TXR पॉइंट में। तो चलिए एयर बेलो पंक्चर, एयर बेलो पंक्चर हो गया और इधर फीवा एक्टिव हो गया, सेम बोगी में आपका इंडिकेटर रेड हो गया, हिसिंग साउंड मिल रहा, पहला आपका काम है ये इसको आइसोलेटिंग करना है। आइसोलेटिंग करने से आपका बीपी प्रेशर फेंकना बंद हो जाएगा, बीपी चार्जिंग शुरू हो जाएगा ड्राइविंग कैब में, और आपको आके देखना पड़ेगा कि ज़रूर इधर से कोई ये बेलो या वो बेलो, दोनों बेलो में आपका हवा कहीं से लीक हो रहा होगा, तो आपको हिसिंग साउंड मिलेगा सेकेंड, और उस दौरान आप आके देखेंगे कि ये जो हॉरिजेंटल लीवर और इंस्टॉलेशन लीवर, हॉरिजेंटल लीवर डाउन में है, मतलब आपका इस बेलो में हवा नहीं आ रहा, क्योंकि एक बेलो कोई पंक्चर हो गया, चाहे ये होगा चाहे वो होगा, उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते और मेरा मैकेनिकल स्टाफ एन रूट में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गाड़ी को तो खड़ा नहीं रख सकते,
गाड़ी को तो सिस्टी कैंपियज अंडर में जाएंगे, लेकिन कितना दूर तक जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन आपका उधर से गाड़ी सेक्शन क्लियर करना है, आप आइए। आप आके इस बोगी में हुआ है तो ये एयर बेलो सप्लाई लाइन का आइसोलेटिंग कॉक जो दिख रहा है इसको बंद कीजिए। फीवा आइसोलेटिंग आगे से ही था और इसको जहां आप बंद कर दिया तो आपका इधर से वो जो बोगी है दूसरा बोगी में आपका एयर बेलो सप्लाई लाइन जाएंगे, लेकिन इधर से आपको ये दोनों एयर बेलो पे सप्लाई नहीं रहेंगे। आप 60 केएमपीएच में गाड़ी लाएंगे, लेकिन उस दौरान आपको देखना होगा कि ये जो एयर बेलो जिस टाइम में ब्लास्ट हुआ या तो पंक्चर हुआ, ये ठीक ठाक दोनों बेलो अगल बगल दोनों तरफ का बेलो ठीक से बैठा या तो टिल्ट कंडीशन में है। अगर टिल्ट कंडीशन है तो गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा, अगर टिल्ट कंडीशन नहीं है तो आप आएंगे और उस दौरान आप ये दोनों आइसोलेटिंग कॉक को भी बंद कर दीजिए। मतलब 1 बोगी सप्लाई लाइन, 2, 3, 4 टेस्टिंग पॉइंट भी बंद कर दिया और गाड़ी 60 केएमपीएच का अंडर में होता है, फीवा एक्टिव होता है और उस दौरान आपका देखा जाता है, आप लोग आते नहीं हैं, ये इंस्टॉलेशन लीवर टूट के गिरा रहता है। कृपया आप लोग फीवा को जब आइसोलेट करता है उसका बीपी प्रेशर लाइन को कट करने के बाद में इधर आइए, तभी इस पोर्ट से बहुत हल्का से साउंड मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलेशन लीवर, ये जो बोगी है इसमें दोनों तरफ में कोई एक इंस्टॉलेशन लीवर टूट के गिरा रहता है, उनको उठा के आप थोड़ा इसमें फीडिंग करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन लीवर जहाँ से टूटता है वो लेवल में आप अगर इसको उठा के पकड़ते हैं तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका उठने का कोशिश करता है, उसी टाइम इसका फीडिंग होगा उस पॉइंट में जो कि थोड़ा आप लेवल में और नीचे लेवल में इसका आपका डिस्चार्ज लेवल है। तो आप कृपया जहां से टूटा है उसको लगाने का कोशिश करिए उसी जगह तक, तो ये पॉइंट मिलेगा। मिलने का बाद में आप इधर एक तार बांधिए, बांधने का बाद में इसी जगह में आप उसको हैंग कर दीजिए आराम से और फीवा को डीएक्टिव रहने दीजिए और गाड़ी कोई केएमपीएच अंडर नहीं आएगा, क्योंकि आपका उस दौरान जो बोगी सप्लाई लाइन है वो चालू है। मतलब आपका 60 केएमपीएच अंडर में कभी नहीं आएंगे। जब भी आपको बोगी सप्लाई लाइन आप बंद करेंगे तो आपको इन डिटेल्स में बोलना पड़ेगा कि आपका फॉल्ट क्या था, तो आप फॉल्ट नहीं बता पाएंगे तो वो आपका ऊपर में रिस्पॉन्सिबल आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, हम बहुत तरीक़ा से आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं, आज भी किया है, शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड। आप लोग क्योंकि हर क्लास में स्टूडेंट एक किस्म का नहीं होता है, बहुत सारा किस्म का स्टूडेंट होता है, बहुत तरीक़ा से वो लोग समझते हैं, तो मैं भी इसी तरीके के बहुत सारा वीडियो अपलोड दिए है। तो इस वीडियो को भी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक सोच रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।